अगर कोई कंट्री इन तीन चार पॉइंट्स पे जब खरी उतरती है तो वो डेमोक्रेसी है। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का आर्टिकल जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है वो द हिंदू न्यूज पेपर में पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल को इम्पोर्टेंट ये बनाता है कि इस आर्टिकल में जो वो डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो बोला गया है। अब चाइना ने यहाँ पे ये क्लेम कर दिया है कि वो वर्ल्ड की जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के साथ साथ उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि उनका जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो यूनिक है। उनका जो है वो खुद का इन्वेंटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनका। और उनके यहाँ पर जो इलेक्शंस होती हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा और सबसे ब्रॉड वे में जो है वो इलेक्शंस यहाँ पर जो है वो करवाई जाती हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट का ये मानना है यहाँ पे। अब ये कहाँ कहाँ है इन्होंने, अब चाइनीज जो कैबिनेट है उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जिसको वाइट पेपर के नाम से जो है वो बताया जा रहा है। और उस वाइट पेपर का जो टाइटल है उस वाइट पेपर का टाइटल है डेमोक्रेसी इज दैट वर्क। उसमें ये बोला गया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके जो लीडर्स हैं उसकी जो लीडरशिप है वो एक फंडामेंटल गारंटर है जो डेमोक्रेसी चाइना में जो है वो उसके जो है वो गारंटर है। अब इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये जान लें कि ये थोड़ा डेमोक्रेसी पे सडनली जो है वो चाइना ने इतना बड़ा क्लेम क्यों कर लिया, क्यों जो है वो चाइना अपने आप को वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताने के लिए जो है वो उसको एक रिपोर्ट जो है पूरा वाइट पेपर जो है वो पब्लिश करना पड़ा। अब यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। देखिए हाल ही में आपको पता है कि 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। और इस विंटर ओलंपिक्स को जो है वो यूएसए ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है। यूएसए ने ये कहा है कि उनका कोई भी ऑफिशियल जो है वो इस ओलंपिक में जो है वो नहीं जाएगा। तो यूएसए ने ये क्यों कहा है, क्योंकि यूएसए ने हवाला ये दिया है कि जो चाइना का जिनजियांग रीजन है वहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ वहाँ पे जो है वो अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचार में जो है वो ह्यूमन राइट वायोलेशंस जो है वो हुए हैं, ह्यूमन राइट वायोलेशन किए गए हैं चाइना द्वारा। तो उसको लेके यहाँ पे जो है वो यूएसए ने चाइना को टारगेट किया है, चाइना को क्रिटिसाइज किया है। अब यूएसए के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानी जाती हैं, बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानी जाती हैं, उन्होंने भी जो है वो इसको जो है वो यहाँ पे डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग में होने जा रहे हैं चाइना में। अब वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, दूसरी कंट्री वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी कंट्री वहाँ पे है न्यूजीलैंड, चौथी कंट्री वहाँ पे है कैनेडा, पांचवी कंट्री वहाँ पे है आपकी यूके। जो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड की जो बेस्ट डेमोक्रेसीज मानी जाती हैं, वर्ल्ड की जो बिग डेमोक्रेसीज मानी जाती हैं उन्होंने ही यहाँ पे बीजिंग ओलंपिक्स को यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स को यहाँ पे ऑफिशियली बॉयकॉट कर लिया है, यानी डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर लिया है। और इसके साथ साथ चाइना का रिएक्शन तो जो है वो आना ही था। चाइना ने ये कहा है कि यूएसए को इसका जो है वो अंजाम भुगतना पड़ेगा और चाइना जो है वो इसका जवाब समय आने पे देगा। और यूएसए ने यहाँ पे एक समिट जो है वो आप न्यूज में काफी सुन रहे होंगे कि यूएसए ने एक समिट जो है वो यहाँ पे एक होस्ट की है। अब वो समिट कौन सी है, वो समिट है डेमोक्रेसी पे, एक समिट जो है वो यूएसए ने होस्ट की है। उस समिट में जो है वो चाइना को रशिया को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। जब चाइना रशिया इनवाइट नहीं है तो इनका जो करीबी मित्र है
खासकर चाइना का, पाकिस्तान, वो यहाँ पे एब्सेंट रहा इस समिट से। और आज ही जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो वहाँ पे एड्रेस किया। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे ये कहा कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बढ़ाना नहीं, डेमोक्रेसी के स्पिरिट को बढ़ाना है। चाइनीस जो गवर्नमेंट है, उन्होंने आपको जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक वाइट पेपर जो है वो पब्लिश किया है डेमोक्रेसी दैट वर्क के नाम से रिपोर्ट। और यहाँ पे उन्होंने कहा है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है यहाँ पे कि जो यूएसए है, यूएसए डेमोक्रेसीज को जो है वो सब्स्टिट्यूट को यहाँ पे जो है वो एक जियोस्टैटिकल टूल्स की तरह यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करता है अपने बेस बढ़ाने के लिए। और उसने उन्होंने कहा है कि जो ये समिट्स वगैरह हो रही हैं, इसमें यूएसए खाली ये कर रहा है कि अपनी जो हेजेमनी है उसको बचाने के चक्कर में है, जो कि ऑलरेडी जो है वो जा चुकी है, ऐसा चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। यहाँ पे जो उन्होंने एक वाइट पेपर जो पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि चाइना जो वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी रूल्ड चाइना है, उसने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो उसको होस्ट किया है। और उसमें ये भी बताया गया, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो 2016-17 में उन्होंने एक इलेक्शन करवाए थे पीपल्स कांग्रेस के, और आपको ये बता दूँ पीपल्स कांग्रेस यानी कि सबसे लोअर लेवल के जो आपके म्यूनसिपैलिटीज वगैरह होती हैं जैसे हमारे इंडिया में, वैसे ही उनके वहाँ पे उन्होंने पीपल्स कांग्रेस बनाई है। उन्होंने कहा है कि जो उसके इलेक्शंस हुए थे, उसके इलेक्शंस उन्होंने करवाए थे, उसमें तकरीबन जो है वो 900 मिलियन वोटर्स जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन वो एक चीज़ यहाँ पे ये भूल गए हैं कि जो पार्टिसिपेट्स जो किया तो था वोटर्स ने, लेकिन जो जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया था, वो इलेक्टेड लोग जो थे वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके ही जो है वो लोग होते हैं, और किसी को भी जो है वो अलाउड नहीं है इलेक्शंस में खड़े होना। वो ये चीज वहां पे मेंशन करना भूल गए। और एक ही कैंडिडेट जो है वो वहां पे खड़ा होता है और उसी को जो है वो वोट करते हैं, और किसी भी पार्टीज को यहाँ वहां पे अलाउड नहीं है इलेक्शंस में खड़ा होना। अगर कोई पार्टी बनती है तो उसको जो है वो बैन कर दिया जाता है, जैसा कि चाइनीज गवर्नमेंट, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो पहले भी कर चुकी है, वो काफी पार्टीज को जो वहाँ पे बैन कर चुकी है ऑलरेडी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो 8 इनके लाइस हैं, इनके सबॉर्डिनेट्स पार्टीज हैं, वो खाली वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वो भी उनको भी कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ एक एडवाइजरी नेचर पे जो है वो वहाँ पे काम करती हैं। वो एडवाइजरी नेचर किसके लिए काम करती हैं, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एडवाइज करती हैं वहाँ पे, तो उनका इतना सा काम है। इन्होंने जो वाइट पेपर वहाँ पे पब्लिश किया है, इस वाइट पेपर में ये भी कहा गया है कि जो चाइना है, चाइना ने वेस्टर्न मॉडल्स को जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो मॉडल्स हैं डेमोक्रेसी को लेके, उसको जो है वो कॉपी नहीं किया है। चाइना ने अपना जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना एक जो है वो इन्वेंशन की है अपने डेमोक्रेटिक मॉडल की, उनका ये मानना है। और जब वो डेमोक्रेटिक मॉडल की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो चाइनीज जो इलेक्शंस होती हैं या चाइनीज जो डेमोक्रेसी है, वो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी गारंटी है, उनकी गारंटी में जो है वो सब कुछ होता है, वो पीपल्स की जो है वो फेथ को, पीपल्स के बिलीफ को जो है वो जिंदा रखने के लिए उनकी गारंटी जो है वो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है। और यहाँ पे एक चीज मैं ये बता दूँ, एक उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उन्होंने कमेंट्री एक किसी ने पब्लिश की है, एक स्कॉलर है, फॉरेन स्कॉलर, वो जो बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में है, उसमें वो स्कॉलर है, उन्होंने यहाँ पे जो है वो तीन चीजें जो है एक आर्टिकल लिखा था, उसमें तीन चीजों पर उन्होंने यहाँ पे बात की है। अब वो तीन चीजें कौन सी है, एक तो उन्होंने वुमेन के स्टेटस पे वहाँ पे बात की है, चाइनीज और इंडियन वुमेन के स्टेटस को वहाँ पे कंपेयर किया है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है, ये भी बात की है, हु हैज द ह्यूमन राइट्स और किसके पास यहाँ पे जो ज्यादा डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे उन्होंने तीन बातों में यहाँ पे इस चीज इसमें कमेंट्री की है। और उन्होंने यहाँ पे ये बताया है जो चाइनीज वुमेन है वो इंडियन वुमेन से सुपीरियर है, उनको यह रियल राइट्स जो है वहाँ पे मिले हुए हैं।
तो इस मामले में जो है वो चाइनीज वुमेन जो है वो सुपीरियर हो जाती है और इंडियन वुमेन्स को जो है वो उतने राइट नहीं है, उनको उतनी फ्रीडम नहीं है जितनी चाइनीज वुमेन को है। और उन्होंने ये कहा है कि जो डेमोक्रेसी समिट जो यूएसए करवा रहा है वो ये बेशक माने कि जो है वो इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन इन रियलिटी जो है वो इंडियन वुमेन्स के पास उतने राइट नहीं है जितने चाइनीज वुमेन के पास राइट्स हैं, ऐसा उस आर्टिकल में जो है वो लिखा गया है। अब ये कहा है कि जो बेस्ट वे है कंट्री किसी भी कंट्रीज के जो पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो जज करने का डेमोक्रेटिकली और एफिशिएंटली वो ये है कि उसमें ये देखना चाहिए कि क्या स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पे स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर क्या है, यानी कि जो एक इलेक्शंस एक बंदा है जो वो जो एक प्रेसिडेंट है जब वो इलेक्शन हारता है और दूसरा जो है वो उसकी जगह बनता है, तो क्या वो स्मूथली हो रहा है या किसी रेवोल्यूशन के थ्रू हो रहा है। वो एक चीज यहाँ पे ये लाना भूल के, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के वहाँ पे एक रूल ये था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी जो है वो 3rd टर्म के लिए जो है वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शंस के लिए जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में होती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की। तो 2018 में शी जिनपिंग ने क्या किया, इस जो प्रोविजन था जो 2 ईयर की लिमिट थी इसको जो है वो खत्म कर दिया। अब ये जो खत्म करना, इसको जो पूरे पूरे इंडिकेट ये यहाँ पे देता है कि अब फॉर एवर जब तक शी जिनपिंग जो है वो जिंदा रहेंगे वही जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट को जो चलाएंगे वही प्रेसिडेंट भी रहेंगे। अब ऐसा आप यही मान के चलिए, तो ये तो अब इसमें ज़्यादा मैं अपने पर्सनल व्यूज नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आर्टिकल के जो व्यूज थे वही आपको थोड़े बताए, थोड़े डिफाइन किए कि क्या आर्टिकल्स जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आर्टिकल। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें एक तो इन्होंने इंडियन वुमेन्स को और इंडियंस इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको क्वेश्चन किया, वेस्ट इंडिया को कहा कि इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को टारगेट यहाँ पे ये किया कि इंडिया ने अपना खुद का मॉडल ना अपनाते हुए वेस्टर्न मॉडल्स को जो है वो यहाँ पे फॉलो किया है और वेस्टर्न मॉडल्स को टारगेट करते हुए उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न मॉडल जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं है, इतने वर्कफुल नहीं है जिनके उतने खुद के मॉडल हैं। अगर हमें यहाँ पे कंक्लूड करना हो तो कैसे करेंगे, किसी भी कंट्री को देखना हो कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसमें कुछ 3-4 चीजें हैं जो देखी जाती हैं। पहली चीज वहां पे ये देखी जाती है कि वहां पे ऑपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, उसकी पॉलिसीज को जो है वो थॉरली स्टडी करना और लोगों को अवेयर करना कि क्या उनकी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या उनकी पॉलिसी सही है या नहीं है। तो ऑपोजिशन का काम यहाँ पे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि चाइना में ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस पॉइंट पे जो है वो चाइना फेल हो जाता है। और जब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हम देखेंगे कि जो इलेक्शंस होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शंस होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो, डायरेक्ट इलेक्शंस हो इनडायरेक्ट, कोई भी कहीं से भी जो है वो खड़ा हो सकता है, किसी को जो है वो रोक टोक नहीं है, चाहे वो एक पार्टी का हो चाहे वो 2 पार्टी का हो चाहे वो 3 पार्टी का हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कोई भी खड़ा कहीं से भी खड़ा जो है वो इवन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे सीन है। लेकिन अगर हम चाइना के केस में देखें तो चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के लोग जो है वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, उसी के लोग इन लोगों को जो है वो नॉमिनेट करते हैं इलेक्शंस में, समझ रहे हैं आप यहाँ पे गेम, इन्हीं के लोग जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट, इन्हीं के लोग यहाँ पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं
और ये जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं ये लॉयल होंगे इनके, जब ये इनके लॉयल होंगे तो ये काम भी जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑपोजिशन हो रहा है ही नहीं, और ये जो है वो इनके लॉयलिस्ट होते हैं। और ये इलेक्शन जो जिस इलेक्शंस की चाइना बात कर रहा है, ये इलेक्शन जो होते हैं ये बहुत लोअर लेवल पे होते हैं, ये यानी कि आप म्यूनसिपैलिटी से भी लोअर जो काउंसिल्स वगैरह होती हैं उनके इलेक्शंस ये करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होती हैं यहाँ पे भी कोई आदमी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, ये सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से वही बंदे नॉमिनेट करती है, उन्हीं के बंदे जो है वो जीत के आगे अपर बॉडी अपर बॉडी अपर बॉडी में लोगों को नॉमिनेट करते हैं, इनडायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। तो इस पॉइंट पे जो है वो चाइना फेल हो जाता है। और थर्ड पॉइंट जब हम आते हैं यहाँ पे, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जैसे हम इंडिया में बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा, लॉ मेकर है वो, और जो हमारी जुडिशरी है वो क्या करती है, वो जो इस ये लॉ बना होता है उसको इंटरप्रिटेट करती है। इंटरप्रिटेट यानी कि क्या ये लॉ सही है या ये लॉ गलत है। तो इंटरप्रिटेट की पावर किसके पास है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी के पास, और लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। लेकिन ऐसा जो है वो चाइना में नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP अगर कोई लॉ बनाती है तो उनकी जुडिशरी को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इनके जो लॉ बनाए हुए उनको क्वेश्चंस कर ले। अगर उन्होंने क्वेश्चन कर दिए तो आप जानते हैं उनके साथ क्या होता है। तो इस पॉइंट पे भी जो है वो चाइना फेल हो जाता है। अब चौथा और लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप जानते होंगे, अगर आपको पता होगा कि चाइना में जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स, पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, सॉरी ट्विटर, ये दोनों तो वहां पे बैन है, और वहां पे कोई सिविल राइट भी नहीं है। पॉलिटिकल राइट की तो आप वहां पे बात छोड़ दीजिए कि कोई वहां पे पॉलिटिकल राइट होंगे। रिस्ट्रिक्शंस वहां पे इतनी है कि आप खुल के वहां बोल नहीं सकते, जो लोग बोलते हैं वो वहां पे दूसरी बार मिलते नहीं है। हाल ही में आप केस देख लीजिए, एक टेनिस प्लेयर थी, उसने जो है वो ये मीडिया में बोला कि उनको जो है वो मोलेस्ट किया गया एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर लीडर्स द्वारा, और तब से लेके आज तक जो है वो उस टेनिस प्लेयर का जो कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। इस पे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ने भी जो यहाँ पे चिंता जताई है, और उन्होंने भी ये कहा है कि इससे जल्द से जल्द इसको जो है वो ढूंढा जाए। तो इतनी सारी स्टोरीज जो है वो देखने के बाद, इतनी सारी कहानी समझने के बाद, ये तो हम पक्का कह सकते हैं कि अगर कोई कंट्री इन तीन चार पॉइंट्स पे जब खरी उतरती है तो वो डेमोक्रेसी है। चलिए हम मानते हैं कि कोई ये ज्यादा झोल झमेले में ना पड़ते हुए, डायरेक्ट इलेक्शन में ना पड़ते हुए, सेपरेशन ऑफ पावर में ना पड़ते हुए, ये चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेसबुक को तो वैसे भी क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ले लें ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का रोल आप जानते हैं, ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी कंट्री में किसी गवर्नमेंट को ऑपोजिशन, ऑपोजिट भी ऑपोजिट कोई नहीं है, उनको ऑपोजिट करने के लिए, उनकी पॉलिसीज को ऑपोजिट करने, उनकी पॉलिसीज क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं है, तो आप कैसे मान लें कि वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है।